नमस्कार दोस्तों, आपका जोहार कंप्यूटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं लेनो का आइडियापैड स्लिम थर्ड लैपटॉप का चिपसेट है MD3-3020 का। और इसका अगर हम रैम की बात करें तो हमको इसमें 4GB रैम मिलता है और जो है हार्ड डिस्क में 1TB मिलता है हमको। और साथ ही साथ इसमें हमको जो है 15.6 स्क्रीन मिल जाएगा, HD स्क्रीन मिलेगा, 15.6 का HD स्क्रीन मिल जाएगा। और इसके साथ हमको जो है यहाँ पर अगर हम बैक में पोर्ट की बात करें तो हमको यहाँ पर HDMI मिलेगा और USB मिल जाएगा दो, यहाँ एक और USB, तीन USB एक साथ हमको मिल जाएगा इस तरफ। और वहीं हम सेकंड में बात करें दूसरे तरफ, अगर हम साइड में बात करें तो हमको एक जो है HD कार्ड के लिए पोर्ट मिलेगा और यहाँ से हमारा ऑन ऑफ के लिए हम मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमको इसमें रैम बढ़ाना है, SSD बढ़ाना है या M.2 या NVMe लगाना है तो उसको कैसे चेक करें और कैसे इसमें जो है अपडेट करें, तो उसके लिए जो हम सबसे पहले तो हम जो है सिस्टम को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है बोर्ड को जो है पीछे कर लेंगे और यहाँ से हम जितने भी स्क्रू है उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम जो है बैक कवर को निकालेंगे। बैक कवर निकालने के बाद देखते हैं हम, तो सबसे पहले तो हमको अगर किसी भी चीज़ को अपडेट करना है तो सबसे पहले हम बैटरी जो है रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद देखते हैं कि हमको यहाँ से हार्ड डिस्क है SSD यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से हम जो है रैम अपडेट कर लेंगे। हमको एक ही पोर्ट मिला हुआ है तो उसको ध्यान में रखना है, उसके बाद जो है हम रैम बढ़ाएंगे। और यहाँ जस्ट बगल में देखते हैं हम वाईफाई के, तो यहाँ हमको जो है M.2 NVMe के लिए एक स्लॉट मिला हुआ है, चेक करना पड़ता है सपोर्ट कौन सा कर रहा है उसके ऊपर रहता है, ये यहाँ दिया हुआ है। और यहीं से हम देखते हैं तो हम यहाँ से जो है हम हीटसिंक पेस्ट लगा लेंगे और यहाँ से हमारा जो पंखा है वो हम कूलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार जो है लेनो आइडियापैड स्लिम थर्ड में जिसका चिपसेट MD3020 का है, ग्राफिक कार्ड वाला ग्राफिक, तो वो इस प्रकार जो है हमारा इसमें अपडेट कर सकते हैं इसमें।